भगत सिंह, आज आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर आजादी ही हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जो इंसान को इंसान के प्रति जुल्म बर्दाश्त ना कर सके। जागो लोगों, जागो, जाकर कह दो अंग्रेजों से कि तुम दबा कर भाग जाए। अगर आज एक भगत सिंह मर भी गया तो कल 10-10 भगत सिंह पैदा होंगे और इस देश को आजाद कराएंगे। जब बहता खून शहीदों का तब धीरे पलटी कौमों की। मुझे पता है कि मेरी कुर्बानी यूं ही जाया नहीं जाएगी। जब मैं 3 साल का था तब मेरे चाचा स्वर्ण सिंह शहीद हो गए थे। जब मैं सिर्फ 8 साल का था तब मेरे गुरु करतार सिंह ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। जो बच्चा कुर्बानियों के बीच पला बड़ा हो वो अपनी खुद की कुर्बानी से कैसे डर सकता है। ये देख रहे हैं आप, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं, मेरे जलियों वाले बाग की मिट्टी है। ये हर वक्त मेरे सपने, मेरे वजूद की याद दिलाती है जिसका नाम है आजादी। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां। हम अभी से क्या बताए, क्या हमारे दिल में है। डराने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। वतन के नाम पर हम अपना सिर कटाने से नहीं डरते। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मैं रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। सूरज सा पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। पुर्जा पुर्जा कट मरे कब हूना छाड़े खेत, कब हूना छाड़े खेत, कब हूना छाड़े खेत। धन्यवाद।